क्या कहने अकबरा जी बाबा पर मैंने जल्दी कर अजादान तो सुनावे मैं हुसैन अपनी जीग की आखिरी नमाज जमात के नाल पढ़ लवा मेरे पीर हुसैन पाक जरा ये गल की थी आखो किबला मेरे मुर्शिद इमाम अली अकबर पाक हम शक्ल रसूल मुस्तफा करीम दी शक्ल वाला जवान जे को 18 साल मेरी सैन जैनब पाक परगा विच पलेंदी रही है जैनब दा लाल मेरे मुर्शिद हुसैन पाक दा बछड़ा अकबर ने सामने आए आके रो के आदे बाबा तुसा भी सही फरमे देवे पर अज तो कुआलान सुनावा अज तो दे भेणी कुआलान सुनावा मेरी सुनन वाली भेण मदीने रह गई है मेरे मुर्शिद हुसैन पाक ने फरमाया मेरा लाल घबराना मैं ऊ नबी दा नवासा हां चाहे पत्थरों को बुलवाए चाहे दरख्तों को तोड़ के कदमे झुकाए चाहे सूरज को वापस बुलाए चाहे चंद दू टोटे करके कदमे झुकाए फरमाया मैं ऊ नबी दा नवासा हां चाहे पत्थरों को बुलवा दीते मैं ऊ अली दा बचड़ा हां जेड़ा घोड़े ते सवार थी वे एक रकाब दे अंदर पैर रखे अलहमद कने कुरान शुरू करे भई रकाब च पैर वन्नर तो पहले पहले कुरान दा मुकम्मल खत्म हो वे ऊ अली दा बचड़ा हां ऊ अली दा लाला फरमाया अकबर मुझा ना थी घबराना मैं हुसैन तेरे नाल वादा पिया करे ना करबला दे टिब्बे ते खड़ के अजान पढ़न तेरा कम है तेरी अजान दी आवाज को मदीने पहुंचावन मैं हुसैन दा कम हजरत अली अकबर पाक हम शक्ल रसूल मेरे पाक नबी दी शक्ल वाला जवान किबला तारीख तां लिख देन किताबां दे अंदर मौजूद है तेरा सहाबा को नबी दी मुंह जावे आ तुर के आवे ना मेरे पीर हुसैन दा दरवाजा खड़कावे ना पाक जैनब दे बूए ते आवे ना हाथ जोड़ के आके ना बीबी तेरा लाल नबी दी शक्ल वाला है अज सा कोई इमाम लंबे आदि शक्ल देखण दी तड़प पई थी दी है मेहरबानी फरमावो चा मिन्नत लावो चा अज सा को अपने लाल दा दीदार करावो चा सकु नबी दी मूंझ लाए ओ अकबर पाक करबला दे टिबे दे उते चढ़ के किबला आदान देवन तू पहले आमिर भाई तवज्जो होवे जुमले दे उते यूसुफ अली सईदी तू भी नबी दे नवासे दा शान पढ़ दई पर लिखण वाले ने कमाल कीती है किबला कितना दर्द वाला जुमला मेरे मुर्शिद हुसैन पाक अपने बेटे को फरमाया आदान ले मेरे पीर हुसैन पाक दी खिदमत दे अंदर मेरे पीर हुसैन दी खिदमत दे अंदर इमाम अली अकबर पाक हाथ जोड़ के आदन बाबा तेरे फेरी को मैं अजान सुनावा ते मेरी भेण मदीने रह गई तुसा हुक्म कीता ओ विच महमल दे चुप करके सुगरा लह गई ओ कुछ मिट्टी कच्ची कर बैठी ते मेरे पैर कजेंदी रह गई कांड करके जदा मैं तुरिया हम पिछू वीर सड़ेंदी रह गई ओ किबला आजमत हुसैन सुनन वाले मैं किवे बयान करा भेड़ी को भिरावा दे वडे मानो दन भेड़ी को वडे भिरावा दे मानो दन किबला सैयदना इमाम अली अकबर पाक करबला दे टिबे ते खड़ के अल्लाह अकबर दी सदा जो बुलंद की दिए कई दी दी तांगा रख के बैठी है मेरी सैन जल्दी दे नाल उठिए पुछना करें दिए रो के आदि अम्मा उम्मे सलमा अज मेरा दिल दे मेरा वीर अकबर आ गए अज मेरा दिल आ दे जो मेरा वीर अकबर आ गए अज मेरा दिल आ दे मेरा मासूम वीर असगर आ गए मेरी सैन फरमे दिए
सुगरा देखू तो हर वेले अकबर का ख्याल जेकर अकबर आवे सब कने पहले देखू मिलन कित आवे कुर्बान वंजा नबी दे गुलामो मैं शान अली अकबर बयान करना अपना मजमून कलोल करा वक्त नहीं किबला पाक हुसैन लजपाल नमाज पढ़ाइए आख मुहम्मदी जवान सफा बना के नमाज खड़े पढ़ दे जिस वे मुर्शिद हुसैन ने अल्लाह अकबर कीते सना पढ़ी ने सूरह फातिहा दे बाद पाक हुसैन जना कुरान पढ़े अल्लाह की कसम तारीख दिया किताबा उठाओ तारीख वाले लिख दें जरा पाक हुसैन कुरान पढ़े इवें कुरान पढ़ने मालूम थी दहा जो हूँ कुरान आसमान तू नाजल पिया हो हुसैन जरा कुरान पढ़िया कि बला जेड़ी आयातां कुरान दिया मेरे मुर्शिद हुसैन ने नमाज दी पहली रका दिल नर पढ़े न पाक हुसैन ने कुरान पढ़िया फरमाया वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिनुल मुहैमिनुल العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون پاک حسین جدن قرآن پڑھے ایویں پتہ لگدا ہا جویں ہن قرآن نازل پیا ہوندا ہے اللہ اکبر جنا سید امام حسین پاک قرآن پڑھ گئے نماز پڑھی گئی ہے سلام ہو گیا دعا تو بعد ذکر اذکار تو بعد مرشد حسین پاک ترن قبلہ توجہ ہے نبی دے غلامو مرشد حسین پاک میں ترن خیمے دے چکر لاون دی خاطر قبلہ آپ میں ٹردے اپنی رفیق حیات دے خیمے دے اندر گئے فرمائے نے حال سناو رات کیویں گزری ہے رات किवें गुजरी है क्या अजीब मंजर दिखे वे रात दा बड़े अजीब गरीब मल्लारन मेरे पीर फरमाए क्या डिठे आका सारी रात नमाज पढ़ती रह गई जिक्र अज़कार करेंदी रह गई जरा सवेर दा टाइम थे तहज्जुद पढ़ के फारे हुई मैं क्या डिठे मी आसमान ते एक नूर दी पलकी लथी है उदे अंदर एक बीबी आई जिंदी चादर चमकन वाली आई नूरानी चादर वाली बीबी आई उस पलकी दे अंदर मेरे मुर्शिद हुसैन पाक फरमाए क्या डिठे वे ओ मंदर को किबला शेक ने बयान फरमाए यूसुफ अली सईदी तवज्जो कोई बोले ना बोले नबी दे जिक्र दी महफिल दे अंदर नबी दे लाल दे शान दे अंदर मैं अपनी हाजरी गुलामी पेश करनी है मेरी सैन फरमाए दिया का मैं बड़ा अजीब मंदर डिठे क्या मंदर डिठे आशिक बयान कीता है क्या ओ मक्तल शबीरच अरश कनू एक नूर दी पाल की आईए ओ पाल की विच एक बीबी हई तारीख दसें दी पईए ओ मता जख्मा विच चुप पत्थर पौन तहू देवन बुहारियां आईए शबीर दी आ मेरे अमड़ी हई अचे मक्तल साफ मैं पुछदा नबी दे गुलामो मां दा कितना मकाम होंदे मां दा दिल कितना नरम होंदे जेड़ी मां अपने बेटे को पत्थर चुभन भी बर्दाश्त ना करे रोड़े चुभन भी बर्दाश्त ना करे अपने दिल को पूछो जदा जालमा ने लांतियां ने हूं बेटे दी गर्दन ते तलवारा चलाया हो सन जदा नेज़ियां दे वार कीते हो सन जदा जनाबे वाला बेदर्दी दे नाल शहीद कीता उसने ऊ अम्मा दा क्या हाल हो सी।